नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। ब्लॉक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले भविष्य के बड़े खिलाड़ियों ने दो दिनों तक पुलिस लाइन के ग्राउंड पर अपने को अव्वल लाने के लिए खूब पसीना बहाया। दो दिनों तक चली जनपद स्तरीय बेसिक शिक्षा विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप डलमऊ ब्लॉक के नाम रही। वहीं व्यक्तिगत चैंपियनशिप में प्राथमिक स्तर पर टेकारी दांदू के नागेश भारती, बालिका वर्ग में छीचेमऊ की छात्रा रीना यादव और उच्च प्राथमिक स्तर पर रामपुर कसीहा के सौरभ कुमार और विनोबापुरी की आंचल विजय रही। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रतियोगिता के नोडल प्रभारी बीईओ ब्रजलाल वर्मा ने कहा कि दो दिनों तक चली प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने अपना 100% दिया। जनपदीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में दूसरे दिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 600 मीटर दौड़ बालक वर्ग में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान दीपांशु रोहित कुमार सत्येंद्र, बालिका वर्ग में मोहिनी मंगला सरोज काजल, 400 मीटर बालिका वर्ग में आंचल खुशी कामिनी, बालक वर्ग में हरिओम अनुज करण बहादुर, 200 मीटर बालिका वर्ग में जोया नंदनी खुशी, बालक वर्ग में अजय सिंह शैलेन्द्र श्रवण, 100 मीटर बालिका वर्ग में उषा आंचल आशी ब्ला, बालक वर्ग में सौरभ कुमार अनुज अजय सिंह को प्राप्त हुआ। प्राथमिक स्तर की दौड़ प्रतियोगिताओं में 400 मीटर बालिका वर्ग में शिबा रीना यादव, संध्या बालक वर्ग में सुमित मोहम्मद आसिफ संकल्प, 200 मीटर बालक वर्ग में नागेश भारती राजन शुभम, बालिका वर्ग में संध्या शिवानी अर्चना, 100 मीटर बालिका वर्ग में रीना यादव माही शोभी पटेल, बालक वर्ग में सुमित कुमार शिवम अभिलाष, 50 मीटर बालक वर्ग में नागेश भारती अभिलाष शुभम, बालिका वर्ग में रीना यादव सुनेहा शुभी पटेल को दौड़ में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं टीम स्पर्धा में उच्च प्राथमिक स्तर पर कबड्डी बालक वर्ग में ऊंचाहार, खो खो में बालक वर्ग में रोहिणिया और बालिका वर्ग में हरचंदपुर की टीम विजय रही। प्राथमिक स्तर पर कबड्डी बालक और बालिका वर्ग में सताव की टीम, खो खो में बालक बालिका में हरचंदपुर की टीम विजय रही। दो दिनों तक चली प्रतियोगिता का संचालन नीरज कुमार और डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी ने किया। ठीक है।